रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल के आज 8 जिलों का दौरा करेंगे, प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। कल बेमेतरा और बालोदा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। 27 अक्टूबर को सरगुजा रायगढ़ का दौरा करेंगे, 30 अक्टूबर को दुर्ग और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही नामांकन भी भरेंगे। नामांकन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और वहीं उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके तहत अब जब सीएम भूपेश बघेल का नामांकन होगा, उस दिन प्रियंका गांधी पहुंचेंगी छत्तीसगढ़ और उस दौरान सीएम भूपेश बघेल नामांकन दाखिल करेंगे। बघेल दुर्ग में 30 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशी एक साथ इसी दिन नामांकन भरेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख कर लेंगे संवाददाता करिश्मा सोनी की ओर। करिश्मा, सीएम भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी और जो अहम जानकारी, 30 अक्टूबर को सीएम भूपेश बघेल नामांकन भरेंगे, उस दौरान प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगी। जी बिल्कुल अमृता, जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार नामांकन का सिलसिला चल रहा है। छत्तीसगढ़ में रोजाना 2 से 3 नामांकन हर विधानसभा से प्रत्याशी भर रहे हैं। इसमें पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब नामांकन भरने वाले होंगे, तब प्रियंका गांधी जो है उनके साथ शामिल होने वाली है। देख सकते हैं 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसमें वो दुर्ग पहुंचेंगी। दुर्ग पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल का भी लगातार दौरा चल रहा है। जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से और दमखम से मैदान में उतर रही है, और इसके पहले भी देखा गया कि महिला सम्मान समारोह किया गया, भरोसा सम्मेलन किया गया, युवा संवाद किया गया, तो अब भूपेश बघेल आगामी विधानसभा चुनाव के समय में भी देख सकते हैं जमीनी तौर पर जो है काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का जो है 8 जिलों का दौरा रहने वाला है। 25 अक्टूबर को बेमेतरा और बालोद जाने वाले हैं। इसके बाद भूपेश बघेल 26 अक्टूबर को बलौदा बाजार के और रायपुर के जो है दौरे पर नजर आएंगे। साथ ही में 27 अक्टूबर को सरगुजा और रायगढ़ जाएंगे और 30 को देख सकते हैं कि दुर्ग और बिलासपुर में रहेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा चल रहा है और उनके नामांकन में प्रियंका गांधी शामिल होने वाली। जिस तरीके से देखा गया कि जब राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन हुआ, तब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां शामिल हुए थे और उन्होंने आम सभा को संबोधित भी किया था। तो देख सकते हैं कि उसी के रूप में अब हमें कांग्रेस पार्टी में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल होती नजर आने वाली है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज 8 जिलों का दौरा करेंगे, प्रत्याशियों के नामों का नामांकन में शामिल होंगे और कल बेमेतरा और बालोदा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को सबसे अहम दिन, जब सीएम भूपेश बघेल नामांकन दाखिल करेंगे, इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से चुनावी दौरे हैं, केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय नजर आ रहा है।